वेलकम बैक टू संडे लाउंज विद समीना एंड उस्मान पीरजादा। बातें हो रही हैं अली भाई की। जी हम कहाँ पे थे जब ब्रेक पे भेज दिया था हमें? जिंदगी कितनी हसी है, जिंदगी कितनी हसी है। हम एक्चुअली अभी शहर में हैं, क्योंकि एज एन एक्टर आप अगर हम बात करते हैं तो हम बात करें कि वो कितनी प्यार से, कितनी आसानी से वो एक कैरेक्टर से दूसरे कैरेक्टर में चले जाते थे। फ्रॉम अ वेरी सीरियस, जैसे सलाखी, जैसे कि अगर वो कोई भी कैरेक्टर कर रहे हैं, जैसे वो आई रिमेम्बर जो उनका वो फेमस सीन है जहाँ वो खड़े हैं जज साहब के सामने, वो कितनी सेंसिटिव पोर्ट्रेल थी आपके साथ, इंसाफ और कानून में जब खड़े हैं और जब आपके पास आए हैं, मुझे आज तक याद है जो इंसान और आदमी में जब आपके आपके दोनों के सीन्स थे, यू नो देयर वाज अ मैन वेरी एंग्री, वेरी पैशनेट एंड सो जेंटल। जब ये इन दोनों, आई थिंक आई रिमेम्बर मैं कॉलेज से हम जाते थे, हमें हमारा ज़रूरी था पीरू का भी कि अगर हम फिल्म नहीं देखते थे तो हम समझते थे आज हमने कोई काम। उस जमाने में हम लोगों का रोमांस था फिल्म देखना। जब ये रोमांस ब्रेक हो गया तो फिल्म इंडस्ट्री गॉट डिस्ट्रॉयड, एंड आई पर्सनली फील कि उसके अंदर आप लोगों का बहुत बड़ा अमल दखल था। आपका द वे यू मेड दोज मूवीज एंड द वे यू क्रिएटेड दैट मैजिक जिसको आप कहते हैं। एक फिल्म का तो नाम ही नहीं लिया आपने, खामोश रहो। खामोश रहो, क्या परफॉर्मेंस थी एक भाई की, फूल मेरे गुलशन का। कोई फिल्म ऐसी नहीं है, वो कहानी कमजोर हो तो और बात है, वो क्या करें, उनके जादू परफॉर्मेंस अपनी जगह कि हम आज भी देखिए उनकी बातों में घिरे हुए हैं तो हमें ये इतना टाइम का पता चल रहा है कि कितनी देर हो गई। उस शख्स में कोई ऐसी मैग्नेट उनकी आइज थी कि वो जिसको देखते थे उस आदमी को वो ऐसा ही है। जैसे बात हो रही थी देवा भाभी ने भी की के झगड़े भी होते थे। हाँ जी बिल्कुल। तो कुछ अरसा हम रूठे हुए थे, नाराज रूठे हुए, लेकिन दिल में वो भी रोते थे, दिल में मैं भी रोता था। एक मौका ऐसा आया कि वहीद मुराद की का इंतकाल जब हुआ तो उनको दफना के इस जहां हम बैठे हैं इससे चंद 20-25 गज ही बेकब्रिस्तान है जहां वहीद को दफना के हम आ रहे थे। उसमें गुलामुद्दीन भी थे, इकबाल यूसुफ थे, मैं था, नदीम था, हम सब आपस में। अब अली की और मेरी बातचीत नहीं थी कब्रिस्तान में, जो एक कैफियत सारी हुई है, मैं भी वहां पे था। तो बल्कि फातिहा भी मैंने ही पढ़ी थी, उस वक्त मौली साहब कोई नहीं थे। तो जब पैदल आ रहे थे और इस घर के गेट के बाहर से तक पहुँचे तो अली ने कहा अंदर आ जाओ, चाय पी लो। तो मैं ज़रा नहीं आ रहा था, हाथ से मुझे आओ ना, आ जाओ। मैंने देखा, मैं आया अंदर, यहाँ बाहर पोर्च में खड़े हुए एक आवाज़ लगाई और किस जज्बे के तहत लगाई मुझे आज भी वो आवाज़ जो है वो मेरे नक्श है जहन पर कि जेब देख कौन आया है। देवा भाभी आई, मुझे ऐसे घुट के जफ्फी पाके, जैसे पंजाबी में नहीं कहते हैं, वो गले मिला, रोया रोया और उसके बाद बिल्कुल हम क्लियर हो गए, साफ हो गए। तो ये जगह, ये चार दीवारें, इस वक्त जो हम यहाँ बैठे हैं, मुझे नहीं लगता कि अली यहाँ नहीं है, मुझे लगता है कि अली ये सामने बैठे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये अली सामने बैठे हैं। और देखिए, इंसानों में बाज ऐसी खूबियाँ होती हैं, ऐसी सफात होती हैं जो अल्लाह को पता होती हैं, शायद माशरे को ना पता हों, जो अंदर की एक बातें होती हैं। बाबा बुल्ले शाह ने सिर्फ अपने लिए ही नहीं कहा था कि बुलिया असा मरना नाहीं गोर प्या कोई होर, दूसरों के अली के लिए भी कहा था कि गोर गोर में अली नहीं है, अली तो कोई और है, अली हमारे साथ। मैं बहुत दफा आई, मैं जब इंटरव्यूज का वो सिलसिला शुरू किया मैंने,
तो मैं आई और आकर मुझे पता चला कि अली भाई अस्पताल गए हैं, तो मैं वापस चली गई। फिर आई तो मुझे पता चला कि वो वापस आए हैं अस्पताल से और आराम कर रहे हैं। और एक दफ़ा फ़ोन पे बात हुई, उन्होंने कहा कि सॉरी मैं जा रहा हूँ, मैं बाहर थी मगर मेरे में ज़रा लिहाज है ना, और आप यकीन करें वो मेरे दिल में वो बात रह गई है कि उस दिन मैंने इंसिस्ट क्यों नहीं किया, यू नो मैं क्यों नहीं चली गई अंदर ये कह के कि अगर 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 मुझे ये कहा गया कि वो आराम कर रहे हैं मैं मिली लेती उनको, यू नो मैंने नहीं कभी सोचा था कि मैं उनकी गैर मौजूदगी में आऊँगी और हम बैठे होंगे और बात कर रहे होंगे। ऐसे ऐसे समीना ऐसे ऐसे लम्हात गुजरे हैं मैं बयान नहीं कर सकता। अब मिसाल के तौर पर 71 में जब मेरी शादी हुई लाहौर से, मेरी शादी में अली, रेवा भाभी, तालिश साहब, ताकी साहब आए थे, वहाँ एक बड़ा दिलचस्प एक सिचुएशन क्रिएट हुई कि अली वकील बने थे, मैं दूल्हा बना हुआ बैठा था, होटल के लॉन में थी, दुल्हन कमरे में थी, तो वो निकाह के फॉर्म्स जो होते हैं वो वकील लेकर तो दस्तखत करवाने के लिए जाते हैं, तो वहाँ से लान कमरे तक जाने के दरमियान जो मेहमान ख़वातीन थीं वो तो अली के ऊपर उनको घेरे में ले लिया, और कोई तस्वीर, कोई ऑटोग्राफ की बुक या कागज़ नहीं होता था तो उस निकाह नामे का कोना फाड़ के दिया गया कि इस पे ऑटोग्राफ दे। शुक्र है कि मेरा निकाह पक्का हुआ, पता नहीं वो अरे 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 कहते रहिए क्या गजब कर रहे हो, निकाह नामा।